यानी बिहार एडीजे के सिलेबस से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स है वो सारे सब्जेक्ट्स के ऑडियो वीडियो नोट्स जो है वो अवेलेबल हैं टीएलपी के ऐप के ऊपर, ऑफिशियल ऐप के ऊपर। तो आप वहां जाकर के भी सारे सब्जेक्ट्स के आप वीडियोस वगैरह परचेज कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें से जो एडीजे के लिए जो वैकेंसी आई है उसमें क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये पटना हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से डिस्ट्रिक्ट जज एंट्री लेवल इन डायरेक्ट फ्रॉम बार एग्जामिनेशन 2021 का एडवर्टीजमेंट रिलीज हुआ है, उसका नोटिफिकेशन आया हुआ है। और इसमें जो एडीजे की टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट निकल के आ रहे हैं वो 18 वैकेंसीज के लिए आ रही है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसमें से कुछ बैकलॉग वैकेंसीज वगैरह की भी बात हुई है। और ये जो टोटल जो वैकेंसी ली गई है वो 31 मार्च 31 मार्च 2021 तक के लिए ली गई है, जिसका पे स्केल है 51,550 रुपये यानी 51,550 टू 63,070 रुपीज यानी 63,070 रुपये तक के लिए इसका पे स्केल लिखाया जा रहा है। नाउ जो सबसे जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हम लोग यहाँ पर बिल्कुल डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात यानी पैरा नंबर वन, जिसमें कहा गया है कि ये जो वैकेंसी फिलअप करने के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी वो आपकी 22 दिसंबर से शुरू हो जाएगी और ये 20 जनवरी 2022 तक के लिए रहेगी। 20 जनवरी 2022 तक के लिए रात 12 बजे के 1 मिनट पहले यानी 23:59 तक इसका लिंक अवेलेबल होगा। उसके जो वेबसाइट है वो आपके सामने मैं शो कर दे रहा हूँ, ये रहा www.patnahighcourt.gov.in। और आजकल तो आप गूगल कर सकते हैं। उसके बाद यानी 20 जनवरी 2022 के बाद ये लिंक खत्म हो जाएगा, लिंक डिसेबल हो जाएगा। इसके बाद फिर भी इसका लिंक काम करेगा, यानी एप्लीकेशन फिलअप करने के लिए आपका ये लिंक डिसेबल हो जाएगा, लेकिन ये लिंक अवेलेबल रहेगा फॉर अपलोडिंग द स्कैंड फोटोग्राफ सिग्नेचर वगैरह जो है, जो चीजें आपको अपलोड करनी है उसके लिए लिंक 27 जनवरी 2022 तक रात 12 बजे के लगभग आपके लिए अवेलेबल रहेगा। तो इसका मतलब बड़ा क्लियर समझ ले कि लिंक दो पर्पस के लिए अवेलेबल है। पहला पर्पस आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए और दूसरा जो पर्पस है वो आपका स्कैंड डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने के लिए यानी अपलोडिंग पर्पस के लिए। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए जो डेट बताई गई है वो 20 जनवरी तक ये लिंक अवेलेबल रहेगी और 27 जनवरी तक ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए रहेगी। ये क्लियर कर लेना है, ये नहीं कि आपके दिमाग में 27 जनवरी तक की डेट रहे तो 27 जनवरी तक नहीं है बिल्कुल भी। नाउ उसके बाद की बात करें तो ये एक डिक्लेरेशन है जो कि आपको फिलअप करके देना है। चलिए मैं उसकी बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। नाउ सी, यहाँ पर बहुत क्लियर है कि जो कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे उनको स्कैंड कलर फोटोग्राफ और सिग्नेचर जो कि ब्लैक इंक में होना चाहिए, यानी सिग्नेचर जो आपको करनी है वो ब्लैक इंक से करनी है, ब्लैक इंक इस्तेमाल करना है। इसके अलावा स्कैंड फोटोग्राफ सिग्नेचर ये सारे जो है ना, जो फॉर्मेट बताया गया यानी जेपीजी का फॉर्मेट है, मैं भी आगे बताऊंगा, उस फॉर्मेट में ही आपको अपलोड करके अपलोड करना है इसके एप्लीकेशन के साथ। नाउ जब कभी भी आप यहाँ पर स्कैंड फोटोग्राफ सिग्नेचर वेबसाइट के ऊपर जब अपलोड करेंगे तो आफ्टर 24 आवर्स ऑफ मेकिंग सक्सेसफुल पेमेंट ऑनलाइन, आपका एप्लीकेशन फॉर्म तब फिलअप हो रहा है जब आपका या सॉरी ये जो डॉक्यूमेंट आप तब अपलोड कर पाएंगे जब आपने पेमेंट कर दी है या जो कंसर्न्ड फीस है वो कंसर्न्ड फीस सबमिट कर दी है, उसके 24 घंटे के बाद ही आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग सीधे बात कर लेते हैं कि एडीजे के एग्जाम के लिए एलिजिबल कौन है। और ये बिहार एडीजे का है और बहुत अच्छा कह सकते हैं कि इसका सिलेबस है, इसमें कोई भी लोकल लॉ वगैरह नहीं है, मैं आगे सब डिस्कस करने वाला हूँ। नाउ सी, यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर कहा गया है बिल्कुल के लिए पैरा नंबर टू में कि जिसने 7 साल का प्रैक्टिस कंप्लीट कर लिया है वो, उसके अलावा 24 केसेस पर ईयर होने चाहिए इन द लास्ट 3 ईयर्स। और ये लास्ट 3 ईयर कहाँ से कैलकुलेट होने वाले हैं, 2020 से 2021 से, यानी 2020-21 से 3 साल तक के लिए अगर हम ले पीछे लें तो उसमें टोटल 72 केसेज आपने किए हुए होने चाहिए, यानी 1 साल में 24 केसेस। तो इसका मतलब हो गया 1 मंथ के अंदर कम से कम आपने 2 केसेस किए हुए होने चाहिए, यानी 1 महीने में मिनिमम 2 केसेज होने चाहिए। नाउ सी, यहाँ पर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो कि पैरा नंबर 2A में है। ये बहुत से लोग जानते होंगे कि जो पीपी होते हैं यानी असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स, जो एपीओ वगैरह होते हैं या प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स, वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। यानी दो तरीके के एडवोकेट हो गए, जो एपीओ नहीं है और एक जो जनरल एडवोकेट है वो भी इसके लिए एलिजिबल है, बशर्ते कि उन्होंने 7 साल के लिए प्रैक्टिस कंप्लीट करी है।
नाउ एज लिमिट की बात कर ले तो इसकी एज लिमिट देखिए 35 ईयर्स से लेकर के 50 साल तक है, बहुत काफी दिया है 35 से 50 ईयर्स तक के लिए। और ये कैलकुलेट होगा 1 जनवरी 2021 से, 1 जनवरी 2021 यानी आप ये समझ लीजिए कि जिस साल वैकेंसी निकल रही है, अभी 2021 में ये वैकेंसी आ रही है, इसका मतलब 2021 के जनवरी से इन्होंने कैलकुलेट कर लिया है। नाउ इसके अलावा कट ऑफ डेट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए होगी अदर देन एज, उसके लिए इन्होंने 20 जनवरी 2022 के लिए रखा है, यानी कि एज के लिए 1 जनवरी 2021 तक की लिमिट ले रखी है और बाकी यानी 7 ईयर प्रैक्टिस बाकी चीजों के लिए 20 जनवरी 2022 तक की लिमिट दे रखी है। अब आते हैं रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन के पार्ट में ज्यादा कुछ है नहीं, एज यूजुअल जो रिजर्वेशन मिलता है वो। अब यहाँ टोटल नंबर ऑफ सीट्स 18 सीट्स हैं, अभी 18 सीट्स में से शेड्यूल कास्ट के लिए 16% है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 1% है, ईबीसी के लिए 21% है, बैकवर्ड क्लास के लिए 12% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% है। और इसमें भी यहाँ पर क्लियर है कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, देखिए जिनको जिन लोगों ने संविधान पढ़ना, जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन समझना है, रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट समझना है, तो आप इसे एडवर्टीजमेंट से बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। खैर ये मैं अलग दूसरे मुद्दे पे ना जाऊं इसलिए मैं अपने आप को यहीं पर कन्फाइन कर रहा हूं। यहां पर देख सकते हैं 35% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर वुमन, इसके अलावा 1% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए है। नाउ अब इसके बाद जो मेन इशू ये है कि 7 साल का जो प्रैक्टिस जो आपका है इसका सर्टिफिकेट कौन देगा, हु विल बी द अथॉरिटी। तो यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि अगर आप 7 साल की प्रैक्टिस की सर्टिफिकेट लेते हैं तो वो आपको आपके जो प्रेसिडेंट होंगे एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स ऑफ द कोर्ट, जहां पर आप प्रैक्टिस करते हैं तो वहां पर जो बार एसोसिएशन होती है उसके जो प्रेसिडेंट होंगे वो, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जहां पर आप प्रैक्टिस करते हैं तो उसके डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो होंगे वो यहाँ पर दे देंगे, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कंसर्न और एनी परफॉर्मिंग ड्यूटीज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इन हिज एब्सेंस फॉर द टाइम बीइंग। Now, the senior most judicial officers of the court when he is not practicing in the district headquarters of the judgeship, ये भी दे सकते हैं। इसके अलावा बार काउंसिल के चेयरमैन दे सकते हैं, प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट होम स्पेसिफाइड इन द एप्लीकेशन। इसके अलावा जो हाई कोर्ट में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार ऑफ द हाई कोर्ट इफ द एप्लीकेंट इज प्रैक्टिसिंग एडवोकेट ऑफ एनी हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जो है वो देंगे आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट 7 ईयर्स का। नाउ प्रेसिडेंट ऑफ एनी एसोसिएशन ऑफ एडवोकेट्स ऑफ द हाई कोर्ट कंसर्न, वो भी यहाँ पर दे सकते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल और एनी अथॉरिटी, अगर यहाँ पर प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ वेयर द एप्लीकेंट डज नॉट कम विद इन एनी अफोरसेड कैटेगरी, अगर उन ऊपर में से किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं तो फिर उस कंडीशन में आईटी यानी इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल जो उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी दे सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर आ रहा है अपने लिए जो याद रखने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो लोग अक्सर नहीं करते हैं नॉर्मली सामान्य तौर पर, ये यहाँ पर देखिए बहुत क्लियर कर दिया है इन्होंने पैरा नंबर 7 के अंदर कि द कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन द रिटन टेस्ट, जो मेंस का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आपके पास क्लियर होना चाहिए डिक्लेयर करने के लिए कि आपका नेट प्रोफेशनल इनकम लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर का क्या था, यानी लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर का आपका इनकम टैक्स यानी आईटी रिटर्न की बात है, सीधे सीधे तौर पर मैं कहूं तो आईटी रिटर्न ये आपका होना चाहिए। उसके अलावा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ये बड़ी कॉमन सी बात है, ठीक है। नाउ कौन कौन से गाइडलाइंस आपको यहाँ पर फॉलो करने हैं वो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दिया है। यहाँ देखिए पॉइंट नंबर 1, ये जो होगा परमानेंट और टेम्पररी पोस्ट बिहार सुपीरियर जुडिशियल सर्विसेज के लिए होगा। वैकेंसी जो कैलकुलेट हो रही है वो 31 मार्च 2021 यानी 31 मार्च 2021 तक के लिए जो अवेलेबल खाली वैकेंसीज थी उसी को लिया गया और उसके इस रिपोर्ट के हिसाब से, इस डेटा के हिसाब से टोटल 18 सीट्स खाली हैं। नाउ अब यहाँ पर ये भी क्लियर है कि रिटन और वाइवा टेस्ट होगा, यानी ऑब्वियसली रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू होगा। इसके अलावा हाई कोर्ट शैल होल्ड स्क्रीनिंग टेस्ट, तो स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब आप समझ सकते हैं पीटी एग्जामिनेशन शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स और उसके लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क होगा उसको पास करने पर रिटन मेंस, रिटन यानी मेंस का एग्जामिनेशन, जो मेंस का एग्जामिनेशन अगर क्लियर कर लिया तो फिर ऑफ कोर्स इंटरव्यू के लिए। नाउ अब यहां पर आइए सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यहां पर देख लीजिए, यहां पर बिल्कुल क्लियर कर दिया है यानी पैरा नंबर 6 के अंदर कि कैंडिडेट्स
10 टाइम ज्यादा यानी 10 टाइम्स बुलाए जाएंगे। जितनी वैकेंसी है यानी 18 अगर वैकेंसी है तो आप 10 टाइम्स का मतलब हो गया 180 कैंडिडेट्स, यानी द कैंडिडेट्स अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर अपॉइंटमेंट बी कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट। यानी जितने भी लोग पास करेंगे उसमें से कम 10 टाइम्स तो होना ही चाहिए, मिनिमम 10 टाइम्स। तो ये 10 टाइम्स निकाल करके लेके आएंगे स्क्रीनिंग टेस्ट से, उसी तरीके से 3 टाइम्स का इशू रहेगा वाइवा के लिए। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर आप लोगों को शेयर करनी है वो ये कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वो 300 नंबर, यानी पीटी टेस्ट जो हो रहा है वो 300 मार्क्स के लिए होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे और हर एक में 3 मार्क होगा, यानी 100 क्वेश्चन मल्टीप्लाइड बाई 3 मार्क्स, यानी टोटल हो गए आपके 300 मार्क्स के लिए क्वेश्चन इस तरीके से। और हर एक में अगर गलत आंसर आपने दिया तो गलत आंसर के लिए 1 निगेटिव नंबर है, यानी निगेटिव मार्किंग है, इस चीज को दिमाग में डाल लेना है। तो जो आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, डाउट में है, उसको छोड़ दें, निगेटिव मार्किंग से बचें। नाउ इसमें से क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगे, स्क्रीनिंग टेस्ट में आपका क्वेश्चन आएगा लॉ से, लॉ एक पेपर पूरा इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा जनरल एंड कंप्यूटर नॉलेज, सो जनरल नॉलेज और कंप्यूटर नॉलेज, यानी कि 4 चीजें हो गई आपका, एक लॉ हो गया, उसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज हो गई, उसके अलावा जनरल नॉलेज, उसके अलावा कंप्यूटर नॉलेज, इन चीजों से आएगा। अब लॉ की बात करें तो लॉ में किन किन सब्जेक्ट्स को इन्होंने लिया है, तो लॉ में अगर आप देखें तो देयर आर 14 सब्जेक्ट्स। नॉर्मली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सिविल जज का जो सिलेबस है ऑलमोस्ट है, बस यहाँ पर जो बिहार सिविल जज की मैं बात कर रहा हूँ, बिहार सिविल जज के लिए जो सिलेबस है वही सिलेबस यहाँ पर भी है, लेकिन इनके जो क्वेश्चन होते हैं वो इनडेप्थ होते हैं, थोड़े से टेक्निकल और इनडेप्थ वाले होंगे। इसमें एडिशनल कुछ है तो वो है, देखिए लिमिटेशन एक्ट 1963, ये लिमिटेशन एक्ट सिविल जज के एग्जाम में नहीं रहता है। बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट कॉमन है, आप देख सकते हैं, मैं शुरू से देखिए काउंट कर दे रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीपीसी, इसके अलावा लिमिटेशन एक्ट, उसके अलावा सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, टीपी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, सेल ऑफ गुड्स, इंडियन पार्टनरशिप, निगोसिएबल, आर्बिट्रेशन कॉन्सिलिएशन, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, यहाँ पर क्रिश्चियन एड है, इसके अलावा इंडियन पिनल कोड, ये टोटल हो गए 14 सब्जेक्ट्स। मेंस में अगर आप जाते हैं तो मेंस में ये सिलेबस बढ़ करके 18 सब्जेक्ट्स का हो जाता है, यानी टोटल 18 सब्जेक्ट्स मेंस में कैलकुलेट होता है। आप यहाँ पर मेंस में देखेंगे तो ये सारे जो प्रीलिम्स के जो सब्जेक्ट्स थे वो, लेकिन मेंस में एडिशनल क्या होगा, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट, फैमिली कोर्ट्स एक्ट, पीसी एक्ट यानी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट, ये जो एक्ट हो गए यानी 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 एक्ट एडिशनल हो गए, यानी कि पीटी में 14 सब्जेक्ट्स हैं और मेंस में 18 सब्जेक्ट्स हैं। नाउ यही 4 सब्जेक्ट का फर्क होता है। नाउ अब यहाँ पर क्लियर है कि जो थ्योरी पेपर होगा और वाइवा होगा उसमें 80% और 20% का वेटेज होगा, रेशियो ऑफ मार्क्स का। और जो वाइवा होगा यानी इंटरव्यू जो होगा उसमें एटलीस्ट 45% के लिए, यानी जो वाइवा के लिए जिनको बुलाया जाएगा तो उनके मेंस के पेपर में, थ्योरी पेपर में कम से कम 45% नंबर आने ही चाहिए, ईच थ्योरी पेपर, हर एक थ्योरी पेपर में 45 मार्क्स आने चाहिए, यानी सॉरी 45% मार्क्स आने चाहिए। नाउ अब यहां तक तो ये सारी बातें क्लियर हो गई। अभी जो मेन जो टॉपिक है अभी तो फिलहाल आप लोगों के लिए क्या है कि आपको प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, प्रीलिम्स का एग्जाम देना है, तो उसके अकॉर्डिंग जो जो रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको यहाँ पर फिलहाल शेयर कर दूं। नाउ यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आया, कितनी फीस सबमिट करनी पड़ेगी, तो आपके सामने बिल्कुल है 11 नंबर पॉइंट, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कहा गया, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे 1500 1500 रुपया एज पर एग्जामिनेशन फीस। अगर SC ST और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड बंदे हैं तो उनके लिए 750 रुपया ही फीस है, यानी ठीक 50% रिड्यूस्ड है। Now, अब आते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट पर। देखिए जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको हमने पहले भी बताया है कि 24 घंटे के लिए लिंक, सॉरी आपने जो भी फिलअप करना है, फॉर्म फिलअप करने के बाद, डिटेल फिलअप करने के बाद एक आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के 24 घंटे के बाद आपने क्या करना है, आपने पेमेंट करना है, और पेमेंट करने के बाद आप सारे डॉक्यूमेंट है जो अपलोड कर सकेंगे।
और उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करना है उसके उस सारे का प्रिंट आउट आपने लेके रख लेना है। जो सबसे जरूरी जो जहाँ दिक्कत होती है, मेन इश्यूज जो होता है वो होता है कि जब आप फोटोग्राफ सिग्नेचर वगैरह अपलोड करते, देखिए यहाँ पर ध्यान देना है सबके लिए अलग अलग क्राइटेरिया। फोटो के लिए इन्होंने कहा 40 KB 40 KB, उसके लिए JPG का फॉर्मेट, यानी कि आजकल PNG बहुत चल रहा है तो PNG नहीं कर देना है, हाँ JPG और JPEG, और इसका जो पिक्सल है 200x230 यानी 200x230, 200x230 का पिक्सल है, 40 KB का फोटोग्राफ। अगर आइए सिग्नेचर की बात, तो सिग्नेचर मात्र 10 KB लग रहा है, उसके अलावा डायमेंशन अगर लेंगे तो 140x60 यानी 140x60, उसके अलावा जो डिक्लेरेशन है उसके लिए 50 KB 50 KB और 50 KB से ज्यादा नहीं होगा, JPEG और JPG फॉर्मेट। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं ना, तो यहाँ पर देखिए तीन चीजें आ रही हैं, फोटोग्राफ के लिए 40 KB, साइन के लिए 10 KB और डिक्लेरेशन के लिए 50 KB, सीधा है। तो इसमें गड़बड़ नहीं कर रहे, ये पहले आप अपलोड करने के पहले सारे डॉक्यूमेंट के साइज डायमेंशन क्लियर रखो, अगर नहीं रखोगे तो फिर आप परेशान होते रहोगे बिना मतलब के। तो यहाँ पर आपने क्या कर देना है, डिक्लेरेशन के लिए 50, फिर से बता रहा हूं, सिग्नेचर के लिए 10 KB और फोटोग्राफ्स के लिए 40 KB, 50 40 10 10 40 50, ये सिस्टम है। सब JPG है, इतना याद रखिएगा, सब JPG है, डायमेंशन अलग अलग है, डायमेंशन अलग अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे तो जरूरी चीजें नहीं है, वो सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। तो कुल मिलाकर के इन नटशेल बात ये रही कि आपको, अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट हैं बिहार एडीजे के लिए, अगर आप इसके जो क्राइटेरियाज हैं उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तो आपने ये फॉर्म जरूर फिलअप करना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ द पॉइंट कि हाँ आपके पास कितनी वैकेंसीज है। आप 18 वैकेंसीज देख करके आप छोड़ मत दो, यहाँ पर एक ही सीट आपने लेनी है, कोई 18 सीट आपको लेनी नहीं है, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, एंड इट्स ओपन टेस्ट, ओपन एग्जामिनेशन, तो कुछ कहने की बात नहीं है। आप अगर मेरिट रखते हो तो आप आ सकते हो, आपका सिलेक्शन हो सकता है। मैं आपको, आप सबको जो आउट ऑफ बिहार से लोग हैं उनके लिए भी, और जो बिहार से है उनके लिए, सबके लिए एक चीज बड़ी बात कहूंगा कि आप बिहार का जरूर ट्राई करिए डिस्ट्रिक्ट जज का, अगर आपकी क्वालिफिकेशन अलाउ करती है तो, क्योंकि ये मेरे को लगता है कि कुछ ऐसे, ये ऐसा स्टेट है जहां पर आपको कोई भी लोकल लॉ नहीं पढ़ना है। अगर आप यूपी के जाएंगे एडीजे, वहां लोकल लॉ जम के पूछा जाता है, तो लोकल लॉ से बचना है चाहते हैं, कम मेहनत में बनना चाहते हैं, बिहार एडीजे बहुत अच्छा रास्ता है, बहुत अच्छा रास्ता है। सो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई करना चाहते हैं, जो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फुलफिल करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।